यू वॉचिंग पिक आवर, जहाँ आपको कॉमिक का पूरा भंडार मिलेगा। फ्यूचर फ्लैश के दोनों पार्टों में हमने देखा कि फ्यूचर फ्लैश फ्यूचर से 20 साल पीछे टाइम ट्रेवल करता है और पास्ट में स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए अपने मिशन के तहत उन सभी वजहों को एक एक करके खत्म करता है जो स्पीड फोर्स के डैमेज होने का और टाइमलाइन में हो रहे ब्लीडिंग की वजह थे। सो गाइस, अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर रखा है। सो गाइस, चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 2 खत्म हुआ था। फ्यूचर का ब्लू फ्लैश अपने पास्ट के रेड फ्लैश को स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर में डालकर रेड फ्लैश की पावर से स्पीड फोर्स को रिपेयर करना चाहता था। फ्यूचर फ्लैश रेड फ्लैश को स्पीड फोर्स में डालने ही वाला था जब भी वहाँ पर एक नया स्पीड स्टार आ जाता है। वह नया स्पीड स्टार पीछे से आके फ्यूचर फ्लैश को मारता है, जिसकी वजह से फ्यूचर फ्लैश और रेड फ्लैश दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। लेकिन जब तक रेड फ्लैश स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर से कनेक्ट हो चुका था और उसकी सारी एनर्जी खींचने लगा था, और जब हमें पता चलता है कि वह नया स्पीड स्टार कौन है तो हम देखते हैं कि वह फ्यूचर का वैली वेस्ट होता है, जिसे सेकेंड पार्ट में स्पीड फोर्स की पावर मिली थी। फ्यूचर वैली वेस्ट फ्यूचर फ्लैश से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी खुद को ट्रेन करने में ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं, जैसा मेरे टाइम के फ्लैश बैरी एलन चाहते थे, और मैं फ्यूचर से पास्ट में उसी कसम को पूरा करने के लिए आया हूं जो मैंने अपने टाइमलाइन के फ्लैश को दी थी कि मैं तुम्हें रोकूंगा और हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्यूचर का फ्लैश कहता है, वैली, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं तुम्हारे लिए और हमारे टाइमलाइन के भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं उस फ्रैक्चर को सील कर सकूँ, नहीं तो स्पेस टाइम और पूरी रियलिटी का नाश हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर का वॉली वेस्ट कहता है, मैं तुम्हें किसी को मार कर यह नहीं करने दूंगा। इसी के साथ फ्यूचर फ्लैश और वॉली के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वॉली इतना पावरफुल था कि फ्यूचर का फ्लैश उसे छू भी नहीं पाता। वॉली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि फ्यूचर फ्लैश उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। फ्यूचर का फ्लैश जब यह समझ जाता है कि वॉली वेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और वह उससे नहीं लड़ सकता, तो कोई और रास्ता ना होने की वजह से फ्यूचर फ्लैश रेड फ्लैश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, और फ्यूचर फ्लैश रेड फ्लैश को मारने के लिए अपने ब्लू लाइटनिंग की किलो से रेड फ्लैश के तरफ हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए फ्यूचर का वॉली वेस्ट रेड फ्लैश के सामने आ जाता है और सारी किले वॉली वेस्ट को लग जाती है। फ्यूचर का फ्लैश यह देखकर जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, तुमने ये क्या कर दिया वॉली। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉली वहीं जमीन पर रेड फ्लैश के सामने घुटनों पर गिर जाता है। रेड फ्लैश पूरी तरीके से स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर के साथ कनेक्ट हो चुका था। वॉली रेड फ्लैश से कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पावर उस ब्लास्ट में तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करने से मिली थी और इस वजह से मैं तुम्हारे अंदर की ये पावर भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और तुम्हें बचा सकता हूँ। और इसी के साथ जो पावर मुझे मिलेगी तुम्हें एब्जॉर्ब करके, मैं उस पावर का यूज करके स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर को रिपेयर कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉली रेड फ्लैश के पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ रेड फ्लैश के स्पीड फोर्स के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्पीड फोर्स की भी सारी पावर वॉली में ट्रांसफर होने लगती है। फ्यूचर का वॉली वेस्ट रेड फ्लैश और स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर के सारे पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो स्पीड फोर्स को पहले जैसा रिपेयर करने के लिए काफी था। एक्सप्लोजन के बाद जब धुआं हटता है तो हमें बस वहाँ ब्लू कलर का लाइटनिंग दिखती है, और ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि वह फ्यूचर फ्लैश होता है। वॉली और रेड फ्लैश का नामो निशान वहाँ नहीं होता। फ्यूचर फ्लैश उदास होकर कहता है, वॉली, तुमने ये क्या किया? ये सब मैंने बस तुम्हारे लिए किया था और तुमने खुद को ही नुकसान पहुँचा लिया। आई एम सॉरी वॉली, मुझे माफ करना। लेकिन जब ही फ्यूचर फ्लैश के एडवांस शूट का AI कहता है कि स्पीड फोर्स नॉर्मल हो गया है, लेकिन वह यह भी बताता है कि हम वापस नहीं जा सकते अपने टाइमलाइन में फ्यूचर में नहीं जा सकते, क्योंकि स्पीड फोर्स ने हमारे टाइमलाइन को मिटा दिया है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर अब नहीं रहा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बैरी एलन रेड फ्लैश के धमाके की वजह से एक अनजान से जंगल में जाकर गिरता है, और जब भी वहाँ पर उसके ऊपर एक डायनासोर हमला कर देता है। रेड फ्लैश अपने स्पीड की पावर का यूज करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम उसे पता चलता है कि उसकी पावर काम नहीं कर रही और वह अपने फ्लैश की पावर को खो चुका है और वह उसे यूज नहीं कर सकता। और हमें जब भी पता चलता है कि उस ब्लास्ट की वजह से बैरी का अपने स्पीड फोर्स से कनेक्शन टूट गया है और वह अपनी पावर को भी खो चुका है। वह किसी तरह वहाँ से उस डायनासोर से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वहाँ पर कोई आता है जो रेड फ्लैश को बचाकर वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ फ्यूचर फ्लैश अपने सूट के AI से स्पीड फोर्स की जानकारी ले ही रहा था जबकि फ्यूचर फ्लैश का एआई बताता है, सर मैंने आपके बायोमेट्रिक्स में कुछ बदलाव होता हुआ देखा है और आपकी बॉडी सिग्नेचर आपके एज से 20 साल यंगर दिखा रहा है। यह सुनते ही फ्यूचर फ्लैश अपना मास्क उतारकर वहीं पड़े शीशे में अपना रिफ्लेक्शन यानी अपना चेहरा देखता है और वह खुश होकर बोलता है कि इस टाइमलाइन के रेड फ्लैश के इरेज होने की वजह से स्पीड फोर्स ने टाइमलाइन के डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए मुझे इस टाइमलाइन का फ्लैश बना दिया है और मुझे रेड फ्लैश की जगह दे दी है। अपने आप को 20 साल यंगर देखकर फ्यूचर फ्लैश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और फ्यूचर फ्लैश के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वहाँ से फ्यूचर फ्लैश उस टाइमलाइन के फ्लैश के घर की तरफ भागता है और उस टाइमलाइन के बेटी जो रेड फ्लैश के साथ रिलेशन में थी उसे पकड़कर किस करता है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि बैरी एलन अगर इरेज हो गया है तो वह उस जंगल में जहाँ डायनासोर उसके पीछे पड़ता है वह कौन सी जगह थी और क्या अब फ्यूचर फ्लैश इस टाइमलाइन में रहेगा, क्या रेड फ्लैश वापस आएगा और सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। सो गाइज अगर आपको जानना है आगे क्या होगा तो प्लीज़ गाइज जाकर पार्ट 4 जरूर देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलता रहे।